आज हम एक ऐसा वीडियो ले आए हैं, आप देखते ही आपका चेहरा खुश हो जाएगा उसको। आज हम बताएंगे आपको आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं। आधार सेंटर के लिए आप पहले तो UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसको पहले तो हम हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई हमारे हिंदी उनकी नथिंग है, तो इंग्लिश कर लेते हैं जिससे क्या सभी लोग देख पाएँ। ऐसा वीडियो बनाना उचित लगता है क्योंकि ये वीडियो पूरी इंडिया में आधार कार्ड बनते हैं सभी भाइयों के लिए। अब यहाँ पर जाएंगे तो जब आज UIDAI की साइड में ही जाना है, कहीं अलग से साइड नहीं है। इकोसिस्टम में जाएंगे। इकोसिस्टम में जाकर हम पहले तो ये चेक करेंगे इसमें ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ में आ रहा है इन्वायरमेंटल डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट की जानकारी रह जाएगी। अब इसमें इकोसिस्टम में ही UIDAI इकोसिस्टम में जाएंगे। यहाँ पर जो इनका जो मुख्य सिस्टम है, जो रजिस्टर्ड एजेंसी हैं एनवायरमेंटल एजेंसी, उनके नाम आ जाते हैं। हालांकि नीचे जाएंगे तो नाम भी आ जाएंगे। अब नाम में एक सबसे बड़ी कंपनी आती है, ये हम इस पोर्टल पे इसलिए ले आए जिससे यहाँ कंपनी में यहाँ पर वो ऑप्शन खुल नहीं रहा, डेस्कटॉप में खुल जाता है। डेस्कटॉप से क्या है, वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। तो इकोसिस्टम में एक चीज़ आपको और दिखाएंगे, किस किस राज्य में आपका रहता है, इकोसिस्टम में किस किस राज्य में रहता है। चलिए ठीक है, आपने सबने ये नीचे यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ रहा है, रीजनल ऑफिस दिल्ली वगैरह आ रही है। आप इसकी जगह हम आपको मुख्य वेबसाइट पर ले जाते हैं। आपने सबने UIDAI का तो नाम सुना ही होगा, सबने सुना होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। UIDAI इसमें रजिस्टर्ड है। UIDAI का हम सर्टिफिकेट निकाल के दिखाना चाह रहे थे लेकिन मोबाइल में खुल नहीं पाया, तो माफ़ी चाहेंगे हम। अब हम UIDAI से कैसे आप अप्लाई करेंगे, किससे मिलेंगे और बिल्कुल बिना फ्रॉड के आप लेंगे तो UTI से, UTI गूगल पर डालेंगे, UTI TSL डालेंगे तो यहाँ पर UTI के देखेंगे मेन वेबसाइट खुल जाएगी। काफ़ी सारे लोग पैन कार्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन याद रखें हर वेबसाइट का एक मतलब होता है। पूरी इंडिया में वो वर्क करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ये, इनके पास भी आधार सर्विस है। आधार सर्विस कहाँ पर है हम आपको इसमें दिखाएंगे। होम, अबाउट सर्विस, पैन कार्ड सर्विस, आधार सर्विस। आधार सर्विस में जाएंगे। आधार सर्विस में पहले तो हम ये देखेंगे हमारी कमाई कितनी होनी है। तो सर्विस अवेलेबल एंड फीस, क्या क्या इनके पास सर्विस रहेंगी, क्या क्या आपको चार्जेस देने होंगे वो हम आपको दिखाते हैं। पेन सेंटर खोलने के बाद इनके से अगर आप आईडी लेंगे तो आधार इन्वायरमेंटल वयस्क और बच्चों का जो नया आधार कार्ड बनेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, मतलब बच्चों के जो आधार कार्ड बनते हैं उनमें जो फिंगर अपडेट नहीं हो पाते उनके फिंगर अपडेट करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी अपडेट होगी, ये कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद फुल बायोमेट्रिक विथ इन बिट डोमेट्रिक जो डोमोग्राफी अपडेट, अगर किसी के बायोमेट्रिक जैसे किसी घिस जाते हैं या बुजुर्ग होने के बाद लगाने पड़ते हैं उनके अपडेटिंग का UIDAI 100 रुपये चार्ज लेगी, मतलब 100 रुपये उनका चार्ज है। हालांकि कटते तो 10-20 रुपये हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। आपको कस्टमर से 100 रुपये चार्ज लेना है, ओनली डोमोग्राफी अपडेट के 50 रुपये लेना है। ई आधार कार्ड डाउनलोड कलर प्रिंट A4 साइज पर किसी को देखने अगर चाहा है तो उसको भी देना होगा, चाहे आप कितनी भी बिजी पर्सन ना हो तो भी आपको 30 रुपये लगेंगे। अब UTI की वेबसाइट है तो जाहिर सी चीज़ आपको मिल ही जाएगा, अब तो ये आपको भरोसा हो गया होगा। अब इनकी खुद की ऑफिसें हैं, वहाँ पर आपको मिलना होगा। वहाँ पर इनका ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या टाइम है वो भी हम बता देते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हो जाता है, अपॉइंट थ्रू UTI पोर्टल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का इनका टाइम रहता है, तो यहाँ से आप अपना आधार नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट उनके यहाँ पर जाने के लिए। और अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो उनके खुद की जो ऑफिस हैं लगभग हर सिटी में, बड़ी बड़ी सिटियों में ऑफिस हैं। देखो कहाँ कहाँ इनके ऑफिस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। विजिटिंग आवर, आप उनकी ऑफिस में आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इनका जो सर्टिफिकेट होता है आधार कार्ड वाला वो ले जाना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और फिर वहाँ पर विजिट करना है आपको।
उसका टाइमिंग रहेगा आपका मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5 बजे तक, मतलब सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक आपको जाना है विजिटिंग आवर में। सैटरडे के दिन 9:30 से दोपहर में 3 बजे तक। ऑफिस कहाँ कहाँ हैं आप भी खुश हो जाएंगे, आपके पास में भी ऑफिस होगी इनकी। अगरतला ये पूर्वांचल वालों के लिए, गुजरात वाले अहमदाबाद ऑफिस में आ जा सकते हैं, कर्नाटक वाले बेंगलोर ऑफिस में, तमिलनाडु वाले चेन्नई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाले दुर्गापुर में ऑफिस है इनका, कलकत्ता में इन्होंने ऑफिस नहीं बनाया है पता नहीं क्यों, जो कि राजधानी में बनाना चाहिए था इनको। गुवाहाटी में इनका असम वालों के लिए ऑफिस है, आंध्र वालों के लिए हैदराबाद में ऑफिस है, मध्य प्रदेश के कोई भी भाई, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश के कोई भाई जाना चाहें तो इंदौर में इनका ऑफिस है, राजस्थान के जाना चाहें जयपुर में ऑफिस है, कानपुर वाले यूपी वाले कानपुर बनाए लखनऊ की जगह, महाराष्ट्र वालों के लिए कोल्हापुर बनाया है, कोल्हापुर बम्बई के पास में ही है, आराम से जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल वालों के लिए कोलकाता भी ऑफिस है और दुर्गापुर भी है, दोनों ऑफिस लगते हैं, और मुंबई भी है, और मतलब महाराष्ट्र में 3 ऑफिस आ गए, एक कोल्हापुर है, मुंबई है, नासिक, मतलब जो भी जाना चाहे, और नवी मुंबई भी है। हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर वाले यहाँ पर न्यू दिल्ली जा सकते हैं, इनका एड्रेस भी हम आपको दिखाएंगे इसी वेबसाइट में कहाँ से एड्रेस निकलेगा आपको। पंडित जी गोवा वाले पंडित जी ये जा सकते हैं। गुजरात में एक ऑफिस और आ गया है इनका राजकोट में, और सूरत में है, यूपी में बनारस भी है इनका। अब जैसे मान लो हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के यहाँ ऑफिस पर टिक करेंगे, ये दिल्ली के ऑफिस का एड्रेस आ गया है, दिल्ली में इनकी 3 ऑफिस हैं, वहाँ जाकर आप मिल सकते हैं। सेंटर एड्रेस द्वारका न्यू दिल्ली, आपको नीचे वाले एड्रेस पे जाना है, वो तो उनका आधार सेंटर का एड्रेस है, द्वारका में जाना है, यूटीआई इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड, जवान ज्योति बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 5, लोकल शिपिंग सेंटर, सेक्टर नंबर 4, द्वारका। ये द्वारका वाले एड्रेस पे जाना है। मैं समझा देता हूँ, हमारे पास ज़्यादातर बिहार वाले भाई हैं, बिहार के वालों के लिए आपका कानपुर भी ठीक रहेगा, गुवाहाटी भी ठीक रहेगा, तो मैं आपको कानपुर का दिखा देता हूँ जो यूपी में है। वैसे बनारस का वही आपके पास पड़ेगा, बनारस बिहार वाले की ज़्यादा मांग थी, बनारस पास में पड़ेगा। बनारस में इनका जो एड्रेस है यूटीआई इंफॉर्मेंट टेक्नोलॉजी, नोट कर लें एड्रेस या देख भी लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एंड सर्विस लिमिटेड, रामा कुंज कॉम्प्लेक्स, राम नगर चित्तूर, जो भी है जो वहाँ का जो लोकल एड्रेस है समझ में नहीं आता, अन्नापुर नगर कॉलोनी कैंट सेट आर्मी एरिया के आसपास का है, सिंगरा रोड वाराणसी। आप यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है उस टाइम पर जाकर मिल लें और अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि यूटीआई एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ रेस्पेक्टेड अधिकारी बैठते हैं, वहाँ जाकर आप आराम से डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी आईडी ले सकते हैं, आपकी आईडी प्राइवेट जगह पर ही चालू हो जाएगी।